बुढ़ा समझ रखा है, अभी पहुंचते हैं दिल्ली और सुबह पहुंचेंगे, अभी पहुंचते हैं दिल्ली और सुबह पहुंचेंगे। यूपी के कासगंज जनपद के गांव कुमरौआ में कल भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए किसान आयोग के गठन की मांग की। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की भी बात कही। यहां उनका यूनियन के जिलाध्यक्ष ब्रजेश चौहान और आर्येंद्र यादव ने तलवार और पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में किसान भाई मौजूद रहे। प्रदर्शन की क्या जरूरत है, सुनिए, कल दिल्ली में हमारा भव्य भव्य प्रदर्शन होगा। कल 8 तारीख को। क्या हम तुम ऐसा समझते हो, कोई बूढ़े बुढ़ा समझ रखा है, अभी पहुंचते हैं दिल्ली और सुबह पहुंचेंगे, अभी पहुंचते हैं दिल्ली और सुबह पहुंचेंगे सारी फौजों फर्राटों के साथ। 1000 गाड़ियां तो उत्तर प्रदेश से जाएंगी दिल्ली में, उनको दिखा देंगे किसान आयोग का गठन कर दो और किसान आयोग में सभी किसानों को भर्ती कर दो, किसान आयोग का अध्यक्ष भी किसान को बना दो, वो तय करेगा कि धान की में अब कांग्रेस की सरकार नहीं बनने देंगे। क्यों? कि कांग्रेस ने, हमने आंदोलन किया था 2000 में, तब स्वामीनाथन आयोग बना था, लेकिन कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग लागू नहीं किया था, तभी से हम कांग्रेस के पीछे पड़ गए हैं। 2014 में हमने कहा था कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ, ऐसे ही 17 में कहा था। कांग्रेस से हमारी लड़ाई है और कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का हमने संकल्प ले लिया है, तभी तो किसान आयोग का गठन होगा। और हमारा फिर नारा है, जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। यदि किसान की बात केंद्र सरकार नहीं सुनेगी तो हमको उनका विरोध करना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, एक चीज बताइए, कांग्रेस के शासन में 2014 से पहले की बात करें तो डीएपी मात्र 500 रुपए की बोरी मिलती थी, आज 1700 रुपए की भाजपा के शासन में बोरी मिली। आयोजन में भानु प्रताप सिंह ने महापंचायत को संबोधन के उपरांत पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए कहा कि किसान आयोग का गठन कर दो, किसान को भर्ती कर दो, किसान को किसान आयोग को अध्यक्ष बना दो, वही चिन्हित करेगा और अन्य फसलें किस भाव बिकेंगी। आगे हम कांग्रेस की सरकार नहीं बनने देंगे, क्योंकि कांग्रेस सरकार में हमने आंदोलन किया था, तब सन 2000 में स्वामीनाथन आयोग बना था, लेकिन कांग्रेस ने ये लागू नहीं किया, इसीलिए हम कांग्रेस के पीछे पड़ गए हैं। 2014 में हमने कहा था कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ, ऐसे ही हमने 2017 में कहा था कांग्रेस से हमारी लड़ाई है, हम कांग्रेस मुक्त भारत को बनाना चाहते हैं। आप देख रहे थे ब्यूरो रिपोर्ट।